हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फैसल व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का जो हमारा व्लॉग का टॉपिक है या जिस व्लॉग के टॉपिक के तहत हम आपसे बात करने वाले हैं, वो ये है कि हमारे पास एक जो है वो मशीन है। और मैं आपको वो भी बता दूं कि मैंने जो है वो ये सबसे पहले कि ये मेरे शॉप है, सही है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर भी मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना जो कंप्यूटर भी सेट किया हुआ है। ये फोटोकॉपी एंड प्रिंटिंग कंपोजिंग की शॉप मैंने जो है वो यहाँ पर ओपन की हुई है। अब नई लायका है और यहाँ पर मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है, जस्ट दरवाजा ओपन करता हूँ और उसके बाद में जो है वो टेबल को बाहर निकालता हूँ। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ, वो ये है कि आज की वीडियो में आपको जो है वो प्रिंटर के बारे में डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस, हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए तो फैसल व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो चलिए गाइस, बिना देर के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में जो है वो स्टेप बाय स्टेप फुली अपने व्लॉग में जो है वो फुली डिटेल देने वाला हूं इनके बारे में। कोई कोई हम ऐसा व्लॉग भी हम या जाए तो अगर हम हमारे पास कोई भी एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट होती रहती है तो हम आपको अपने साथ जो है व्लॉग पे लेके आते हैं। लेकिन अदरवाइज हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन टाइप कोई भी वीडियो मतलब लाई जाती है या जहन में आ जाती है तो यार हमें अपने फ्रेंड्स को, अपने गाइस को जो है वो अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन के साथ भी हम आपसे जो है वो मुलाकात पे रहें और आपको हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ रहें। तो चलिए गाइस, मैं आपको अपनी वीडियो में स्टार्ट करता हूं और मैं आपको इसके बारे से डिटेल देता हूं कि कैसे इसका प्रोसेस होगा, कैसे ये जो डीलिंग होगी या इसका जो प्रोसेस कैसे होगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है मशीन अवेलेबल है और बटन जो है मैंने ऑन किया हुआ है। अभी जो है वो सबसे पहले मैं जो है वो आपको बार बार ये बताऊंगा, क्योंकि ये इसमें दो वेरियंट आते हैं। मेरे पास जो वेरियंट है वो है 110 का, मतलब ये अगर 110 वोल्टेज पे ये चले जाएगी, मतलब ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये अमेरिकन जो है वो मशीनरी है और इसको हम 110 बोलते हैं। और दूसरा ये होता है कि जैसे ही ये 110 मशीनरी हमारे जो है वो मार्केट में आ जाती है, मतलब कराची, हैदराबाद या बड़े बड़े सिटीज में आ जाती है, तो उनको क्या किया जाता है, इसमें अंदर एक ट्रांसफार्मर या कुछ ऐसा बोलते हैं जो इसमें अंदर लगा दिया जाता है, जो कि 110 से 220 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हमारे पाकिस्तानी वोल्टेज जो है वो 220 है और अमेरिकन 110 वोल्टेज होते हैं इसी हिसाब से। और अगर नहीं भी इनमें कोई सप्लाई लगाते हैं या कोई नई ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो इसको फिर एक सप्लाई के जरिए चलाया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1500 एम्पीयर की सप्लाई है, जो कि ये 220 से 110 इसको जो है वो कन्वर्ट करके दे रही है। बट अदरवाइज सप्लाई का वो वाला वर्क नहीं जो आप समझ रहे होंगे। आप समझ रहे होंगे कि यह स्टेबलाइजर वर्क कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, स्टेबलाइजर वर्क बिल्कुल भी नहीं करता। मैं आपको ये बता दूं कि जो ये जो है सिर्फ जस्ट 110 इसको दे रहा है, और अगर वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं तो ये इसमें इसका कोई भी काम नहीं है। अगर इसने इसमें जो है लिमिटेड है कि 220 वोल्टेज आएंगे तो टोटली इसको 110 मिलेंगे, अगर 220 से कम होंगे तो इसको भी वोल्टेज कम मिलेंगे। इसी हिसाब से इसको हम सबसे पहले ऑन करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑन करने से पहले, मतलब जैसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद यहाँ पर 3 लाइट्स जो ऑन हो जाती है और यहाँ पर ये प्रोसेसिंग भी आ जाता है। उसके बाद ये जब तक ऑन हो रहा है तब तक हम अपने पीसी को ऑन कर देते हैं। इसकी ऑन होने की टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि इनकी ऑन होने की टाइम जो है वो 4 मिनट्स हैं। इसको मैं ये जो तार वायर है जो हम इसको जो है वो नीचे कर देते हैं। और मैं आपको सबसे पहले इसके और भी फंक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो कम पीसी है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो जगह का मसला है, कहीं जगह जो है वो कस्टमाइज है, इसी वजह से थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये बूटिंग हो रही है, बूटिंग में ये 4 मिनट्स लेती है इसी वजह से, या 3.5 मिनट लेती है।
उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है वो पेज की जो साइज है वो इसमें थोड़ी सी कम है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ कि ये मशीन आप पहले से देख रहे हैं कि यार ये मशीन जो है वो छोटी है और यहाँ पर मतलब इतना, जैसे फोटो कॉपी मशीन होती है वो फुल साइज की होती है, बड़ी होती है, लेकिन ये मिनिमाइज है, मतलब ये मिनी मशीन इसको बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मजे तो ये बिल्कुल ही सेम है, कोई भी इसका ज्यादा फंक्शन नहीं हुआ हुआ, बस ये जो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है वो ये है कि छोटी होने की वजह से, छोटी मशीन होने की वजह से एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें A4 साइज का पेज आता है, A4 साइज से बड़ा नहीं आ रहा इसमें। मतलब अगर आपको फोटो कॉपी करनी है इसमें से तो यहां से ये देख सकते हैं, यहां पर जिस यहां पर मेरी उंगली है यहां से लेकर आप यहां तक अपना जो है वह पेज रख सकते हैं। अगर इससे थोड़ा सा भी बाहर गया तो आपका पेज जो है वो कट जाएगा, मतलब आपका जो है वो प्रिंट में जो है वो पेज आउट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये वाला जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। अगर आप नाइट के वर्क काम कर रहे हैं, रात का वक्त है, आप लाइट को ऑन करना चाहते हैं कि यार मुझे जो है वो पेज रखने में आसानी होगी, कि पता चलेगा कि कौन सी साइड है, कैसे रखना है, और मतलब जो होता है सेटिंग वगैरह के हिसाब से, इसी वजह से। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से कि किसी काम का नहीं है। यहाँ पर अगर आप जैसे इसको ऐसे कर देंगे तो ये जो है वो खराब भी हो सकता है, अगर यहाँ पर इसको ऐसे करके अगर स्कैनर चला लिया तो ये जो है वो स्टॉपिंग होगी और यहाँ से गराडियां टूट सकती हैं, ये इसका प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर जो है वो ज्यादा नहीं चढ़िए, हो सकता है कि कोई इसमें कोई फॉल्ट आता हो जो इसको स्कैनर को रोका जाता हो, तो ये भी इसका हो सकता है। तो कंपनी ने बनाया है तो कोई ना कोई काम जरूर होगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, ये इसके जो वो मैसेजेस होते हैं, इसमें स्टोरेज भी लग सकती है, साइड में इसका बोर्ड है, इसको बोर्ड को मैं खोल नहीं सकता, इसका टाइम जो है टाइम भी नहीं होता है, यहाँ पर प्रोसेस भी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइजिंग स्कैनर आ रहा है, क्लिक करेंगे, हमारा स्कैनर अभी वर्क नहीं कर रहा। इनिशियलाइजिंग स्कैनर का जो है वो मकसद होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो है वो मशीन को ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ेगा। कॉपीज में चले जाते हैं, मैं आपको मजीद इसकी सेटिंग्स से और से डिटेल देने वाला हूँ। इसको हम ऐसे करते हैं, ये आपको वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइजिंग स्कैनर आ रहा है कि हो सकता है किसी वायर में कोई प्रॉब्लम आई हो अंदर से, या लूजिंग होती है, या कोई ऐसा प्रोसेस होता है तो इसी वजह से इनिशियलाइजिंग स्कैनर आता है, या कोई एरर आ जाता है तो उसको हम ऑफ करके ऑन करते हैं तो फिर से सही भी हो जाता है। अगर नहीं भी सही होता है तो इसके बोर्ड में फॉल्ट आ जाता है, मतलब जब इसका बिल्ट इन बोर्ड में फॉल्ट आ जाता है तो इसी वजह से होता है, इसका भी यही होता है। इमेज एडजस्टमेंट में चलते हैं, इमेज एडजस्टमेंट में डार्कनेस होती है, बैकग्राउंड क्लीनअप होता है, शार्पनेस होती है, और शार्पनेस का मतलब यह है कि आपके जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा, ब्लर कम किया जाएगा, बैकग्राउंड आपके जो है वो खत्म किया जाएगा, डार्कनेस जो है वो ज्यादा की जाएगी, आपकी फुल जो है वो इमेज है वो कंट्रास्ट पे आ जाएगी, डिफॉल्ट पे वॉइस सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी कॉपीज की जो है वो रख सकते हैं अपने हिसाब से। बैक पे आते हैं और ये इसका सारा इसका यही प्रोसेस है, बाकी जो स्टोरेज है सप्लाई स्टोरेज है, क्या आप यहाँ पर इसको दो ट्रे दी जाती है, ट्रे नंबर 1 है, ट्रे नंबर 2 है, यहाँ पर आप किसी भी साइज का जो है वो दे सकते हैं, यहाँ पर आप दूसरे साइज का देंगे, मतलब A4 साइज जस्ट देंगे, यहाँ पर आप किसी भी साइज का पेज यहाँ से डाल सकते हैं। प्रिंटिंग में आपके जितनी भी साइज अगर हो वो आप प्रिंट कर सकते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज जो फोटो कॉपी करेंगे वो जस्ट A4 साइज से होगी, और भले आप A4 साइज यहाँ से भी डाल दें तो कोई इशू नहीं हो जाएगा। उसका टूनर जो होता है इसको ऐसे प्रेस करके खोलेंगे तो यहाँ पर इसका टूनर भी आपको मिल जाता है। उम्मीद है गाइस बार आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फैसल व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया है अभी, तो देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है, तो इसको मैं मजीद बाद में देख लूंगा, लेकिन जो आपको मैंने इसका बताया प्रोसेस तो वो यही थे, या अगर इसका इनिशियलाइजिंग आ जाए तो या तो इसके अंदर वायर में कोई लूजिंग है या कोई इसका निकल गई है वायर, और इसके में स्कैनर और प्रिंटिंग की वायर अलग अलग इसमें अंदर से होती है बोर्ड में, और उसके अलावा इसके जो वो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी डिटेल इस वीडियो के वास्ते, अगर आपका आ जाता है तो आप इसको एक मरतबे रिस्टार्ट करके चेक जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको वायर को छेड़िएगा, क्योंकि वायर जो है इसको बिल्कुल ही बारीक सी है,
उसमें थोड़ा सा भी हमने अगर ऊपर नीचे कर दिया तो खराब हो सकता है, उसका मतलब बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है। तो उम्मीद है गाइस मेरा जी वाले व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फैसल व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।